नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आपको जो भी अपडेट होता है मैं आपको कमेंट में हमेशा करते रहता हूँ। आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का जो रिप्लाई होता है मैं आपको हमेशा देता हूँ और उस स्टॉक्स को लेकर मैं आपको हमेशा अपडेट करता हूँ। तो चलिए, तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वे ब्लैक रोज इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा। और ये जो ब्लैक रोज इंडस्ट्री है वे रिलायंस, चाहे वे इन्फोसिस हो, चाहे वे TCS हो, तो इनसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। यानी इस कंपनी ने जो अभी तक का जो रिटर्न है वे 24,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। तो आप सोच कर देखिए 24,000%। तो चलिए, हम कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालिसिस किया जाएगा और डीपली एनालिसिस करने के बाद अभी ये स्टॉक्स को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वे 950 करोड़ रुपया का है। जो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे 29.8 है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 44.4% का रिटर्न है। जो अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 86 है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 13.20 रुपीज़ है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 39.8% है। और इस कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है वे 239 रुपया है और 52 वीक का जो लो है वे 170 रुपया है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ है। देखिए, ये जो कंपनी है ऑलरेडी बोनस शेयर इशू किया है, कंपनी का स्प्लिटिंग हुआ है। यानी जब कंपनी का जब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ हुआ करता था तो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है तो आपको इसके बदले में 10 शेयर मिलेंगे। और इसी को इन्होंने फेस वैल्यू कितना कर दिया है, 1 रुपीज़ का कर दिया। ठीक है, तो चलिए कंपनी का, तो जो ये कंपनी है तो ये कंपनी की एक केमिकल सेक्टर की एक शानदार इंडस्ट्री है। यानी जो ये ब्लैक रोज इंडस्ट्री है वे केमिकल्स बनाती है। और आपको भी पता है कि जो डे टू डे लाइफ का जो ये केमिकल्स होता है उसका जो इम्पॉर्टेंट एंड यूजेज है वे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, कंपनी का हम सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं और निगेटिव न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है, तो पहला क्या है कि जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, चाहे वे ईयरली रिजल्ट हो यानी सालाना बेसिस पे या हर 3 महीने 4 महीने पे इसका जो क्वार्टरली बेसिस का जो रिजल्ट है वे काफ़ी अच्छा आ रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वे लास्ट के 5 साल्स में देखा जाए यानी लास्ट के 5 साल में देखा जाए तो कंपनी का ये जो CAGR है वे 45.16% है। यानी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट का 3 साल का तो वे 37.06% का रिटर्न है। यानी 3 साल में आपको 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी चाहे वे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग अकाउंट में जो आपको मिलता है इंटरेस्ट, तो उससे कई गुना ज़्यादा है। और कंपनी का जो निगेटिव न्यूज है, तो देखिए जो स्टॉक का ये जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 14 गुना हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंपनी है, तो देखा जाए तो कंपनी अपने आप में एक शानदार है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई भी निगेटिव न्यूज हमें नज़र नहीं आ रहा है। और कंपनी का, चलिए हम सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे मैं बात कर लेता हूँ कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का सेल्स कितना है और कितना नेट प्रॉफिट है। तो देखिए, जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 84.38 करोड़ का है।
सितंबर 2019 में 96 करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2019 में 94.37 करोड़ का है, मार्च 2020 में 98.05 करोड़ का सेल्स है, जून 2020 में 41.11 करोड़ का सेल्स है, सितंबर 2020 में 113.18 का करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2020 में 119.96 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2021 में 105.5 करोड़ का सेल्स है, जून 2021 में 99.12 करोड़ का सेल्स है, सितंबर 2021 में 126.05 करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2021 में 128.21 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2022 में 134.50 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए, तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं वही अगर कंपनी की अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जून 2019 में 4.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सितंबर 2019 में 6.21 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2019 में 5.18 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 4.39 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में 2.10 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2020 में 8.32 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2020 में 9.95 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 9.17 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2021 में 7.48 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2021 में 9.22 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2021 में 9.47 करोड़ का प्रॉफिट है, और मार्च 2022 में थोड़ा सा आपको अपसेट किया है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 5.73 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे इंक्रीज कर रहा है, बट ये जो मार्च का ये जो 2022 का वे थोड़ा सा आपको अपसेट किया होगा इस कंपनी का जो रिजल्ट। तो चलिए अब कंपनी का हम सालाना बेसिस पे देख लेते हैं कि कंपनी का जो सालाना बेसिस पे जो सेल्स है और नेट प्रॉफिट कितना है। देखिए, 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 87 करोड़ का था और इस कंपनी का उस समय का जो नेट प्रॉफिट था वे 3 करोड़ का था। 2012 में इस कंपनी का जो सेल्स है वे 93 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 0 रुपीज का है। 2013 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 122 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 2 करोड़ का है। 2014 में कंपनी का जो सेल्स है वे 115 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे -3 करोड़ का है। यानी जो कंपनी है 2014 में लॉसेज में थी, यानी 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट था माइनस में। 2015 में देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स था वे 196 करोड़ हो गया और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में कंपनी का 177 करोड़ का सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वे 2 करोड़ का है। 2017 में 242 करोड़ का सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वे 5 करोड़ का है। 2018 में देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है वे 298 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट है वे 12 करोड़ का है। 2019 में देखा जाए तो 3009 करोड़ का सेल्स है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 14 करोड़ का है। 2020 में देखा जाए तो 373 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का है। मार्च 2021 में 380 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट आपका 27 करोड़ का सेल्स है। और 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 488 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट है वे 32 करोड़ का है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट दिखाई दिया है और जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी बड़ा है और जो नेट प्रॉफिट है वे भी बड़ा है, यानी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। चलिए, कंपनी का चाहे वे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, चाहे CAGR की बात करूँ या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, तो अपने आप में सब में हम मुझे ग्रोथ दिखाई देखने को मिला है। यानी कंपनी का जो सेल्स है आपको पता ही है इंक्रीजमेंट किया है, जो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वे भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो CAGR है वे भी काफ़ी अच्छा है। बट पिछले एक साल में जो कंपनी का जो ये CAGR है वे -10% है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिला है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफ़ी ठीक ठाक है।
और देखिए जो कंपनी के पास 2011 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 10 करोड़ का था, 2012 में 8 करोड़ का है, 2013 में 10 करोड़ का है, 2014 में और 2015 में 14 करोड़ का रिजर्व था, 2016 में 16 करोड़ का रिजर्व है, 2017 में 20 करोड़ का रिजर्व है, 2018 में 30 करोड़ का रिजर्व है, 2019 में 43 करोड़ का रिजर्व है, 2020 में 62 करोड़ का रिजर्व है, 2021 में 88 करोड़ का रिजर्व है, 2022 में 62 करोड़ का रिजर्व है। यानी 2021 के कंपेयर में देखा जाए तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर 20 करोड़ का डिफरेंस है, यानी अभी 62 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, यानी ठीक ठाक है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वे ठीक ठाक है। और कंपनी का जो कर्ज है वे 2011 में 17 करोड़ का था, 2012 में 21 करोड़ का है, 2013 में 22 करोड़ का कर्जा हो गया, 2014 में 37 करोड़ का कर्जा है, 2015 में 42 करोड़ का कर्जा है, 2016-2017 में भी 42 करोड़ का कर्जा है, 2018 में 35 करोड़ का कर्जा है, 2019 में 30 करोड़ का कर्जा है, 2020 में 23 करोड़ का कर्जा है, 2021 में 17 करोड़ का कर्जा है, 2022 में 20 करोड़ का कर्जा है। यानी कंपनी के पास जो कर्जा है वे काफ़ी कम है और कंपनी के पास देखिए जो रिजर्व है वे काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी चाहे तो आसानी से ये कर्ज मुक्त कंपनी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो लगभग ये जो कंपनी है वे कर्ज मुक्त कंपनी ही है एक तरह से। और कंपनी का जो प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो 75% का स्टेक है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 75% का स्टेक है, और जो FIs है उनके पास 0.06% का स्टेक है, और जो पब्लिक है वे 24.94% का स्टेक है। यानी इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि कंपनी जो है वे फ्यूचर में और काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% का स्टेक है, तो ये सब में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगर मैं ब्लैक रोज इंडस्ट्री की अगर मैं वन डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो लगभग क्या बोलते हैं 2.05% का रिटर्न है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 2% का रिटर्न है। 1 महीने की बात करूं तो 5% डाउन है। 6 महीने की बात करूं तो 11% डाउन है। ईयर टू डेट की बात करूं तो 16% डाउन है। 1 साल की बात करूं तो 12.84% डाउन है। लास्ट के 5 ईयर्स में देखा जाए तो 619% का रिटर्न है, और अभी तक का जो रिटर्न है वे 24,000% का रिटर्न है। देखिए कंपनी का इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस में ये जो कंपनी है वे 12% ही गिरा है। इस यानी इस कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशंस नहीं होता है, यानी जो कंपनी के अंदर जो सेलिंग प्रेशर होता है वे आपको इसमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मैंने तो आपसे बात किया ना कि पिछले 1 साल में जो कंपनी है वह कितना गिरी है, लगभग 12.5% गिरी है, और जो कंपनी है आज वे 2.5% का रिकवरी है, यानी 10% अभी तक ये गिरा है इस पैनिक सिचुएशंस में। देखिए और ये जो कंपनी है जितना जल्दी गिरता है और इतना ज़्यादा जल्दी रिकवरी भी करता है, तो इसीलिए आप इस कंपनी में आपको जहाँ पर भी आपको शेयर प्राइस अगर अच्छा खासा मिलता है, देखिए आपके ऊपर है, मैं आपको इसमें बाई की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो प्रोफाइल है वे फंडामेंटली कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप इस कंपनी का जो शेयर है आप वे किसी भी प्राइस पे ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना आपको जिस प्राइस पे आपको अच्छा लगता, नहीं मुझे 170 पे लेना है तो आप 170 पे ले सकते हैं, आपको 180 पे लेना है आप 180 पे लो, आप कहीं से भी लो और ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी इससे रिलेटेड मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में हमेशा आपको अपडेट करते रहूँगा। और अगर कोई भी इंक्वायरी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9102538993 है, तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कौन सा कंपनी में बाई करना चाहिए, किस में अभी सेल करके निकल जाना चाहिए,
और देखिए मेरे यहाँ से जो आइडिया होते हैं वे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ, अगर आप पर्सनली आते हैं तो मैं आपको शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ और आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।